सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पैंट से पैंट का नाप कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में, पिछले संडे स्पेशल एपिसोड में किसी की डिमांड थी, वो लेडीज थी, वो ये कह रही थी कि जी मैं जेंट्स का नाप नहीं ले सकती, इसलिए मुझे पैंट से पैंट का नाप लेना बताइए और शर्ट से शर्ट का नाप लेना बताइए। तो दोस्तों, आज मैं इस एपिसोड में, यह एपिसोड बहुत खास है क्योंकि बहुत से कस्टमर ये आके कहते हैं कि जी ये पैंट मुझे बिल्कुल ठीक है, आप इसी साइज की पैंट बना दीजिए। तो वो साइज कैसे एक्यूरेट आएगा ये मैं आज पैंट का नाप लेके बताऊंगा कि बिल्कुल एक दूसरी पैंट पे मैच हो जाए, एक्यूरेट वही साइज आ जाए। तो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। हर एपिसोड में मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग एपिसोड को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप सीख जाते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं आपको पैंट से पैंट का नाप कैसे लेते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पैंट का नाप लेना शुरू करते हैं। ये हमने एक पैंट ले ली है, अब हमने ये पैंट एज इट इज इसका नाप लेना है, और जब सिल के तैयार होगी तो बिल्कुल ऊपर नीचे रख के देखेंगे तो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब ये बराबर कैसे आएगी, इसका मेजरमेंट कैसे ले, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, पैंट ले ली है। अब मेजरमेंट लेने से पहले हम लिख लेते हैं, इसका नाप लिख लेते हैं। ये लंबाई, ये लंबाई गिदरी, ये हमारी गिदरी कमर, हिप है नहीं इसका क्योंकि पैंट है, हिप इसलिए हिप नहीं लिखेंगे। अब ये मोरी, और आसन, ये आसन हो गया क्योंकि आसन भी हमने इस पैंट का ही लेना है, पैंट का ही नापना है। अब सबसे पहले हम लंबाई नापते हैं। लंबाई हम ये जो साइड की सिलाई है, जिसको पास की सिलाई बोलते हैं, जिसको पास भी बोलते हैं, वहां से हमने ये नापना है। ये बिल्कुल बेल्ट से, बेल्ट के बिल्कुल साथ से ये हमने लेना है। और ये देखिए, ये लंबाई ये हमने लेनी है। अब इसकी लंबाई है 38.5 इंच, तो ये हम लिख देते हैं साथ में पहले ही, लंबाई 38, ये लंबाई होगी 38। अब इसकी गिदरी, गिदरी ये जो अंदर की साइड है, ये जो अंदर की साइड है, इसको हम गिदरी बोलते हैं। अब ये हमने गिदरी देखनी है कितनी है, ये जो तैयार गिदरी है ये देखिए, ये है 29.5 इंच, पूरा 29 नहीं है, ये देखिए 2 सूत कम है, 29.25 है इसकी गिदरी। तो ये हम गिदरी लिख देते हैं 29.25, 28 सही 3/4, 29.25 इसकी गिदरी होगी। अब इसकी मोहरी देख लेते हैं। मोहरी है ये 8.5 इंच की, 9.5 इंच की मोहरी तैयार है। 9.5 इंच का मतलब ये हो गया कि 17.5 इसकी मोहरी होगी, 17.5 इसकी मोहरी होगी। अब इसका घुटना नापने की जरूरत नहीं है, अगर क्योंकि सेम पट्टी से सेम आएगा, लेकिन अगर घुटना भी आप नापते हैं तो घुटना आप क्या करेंगे कि ये जो गिदरी है 29.5,
ये 1529 गिदरी है, इसका आप सेंटर कर लीजिए 14.5 से एक सूत कम, ये इसका सेंटर हो गया। प्लस मैंने पेंट पर बताया था 2 इंच ऊपर, यानी 12.5 से एक सूत कम, ये आपका घुटना हो गया। अब इस पे आप घुटने का भी वो लेना चाहें मेजरमेंट तो ले सकते हैं। ये घुटना हमारा 9.5 यानी 19 इंच, 9.5 से एक सूत ज्यादा, यानी 19.25 हमारा घुटना तैयार आ गया। अब इसका घुटना भी लिख देते हैं, घुटना 19.25, ये 19.25 इसका घुटना हो गया। अब हमने देखना है आसन। अब लंबाई 38 है, 38.5 सॉरी, लंबाई 38.5 है, 38.5 लंबाई है, 29 इसकी गिदरी है, तो डिफरेंस कितने का आ गया समझो, 28.5 38.5 में से 29 गए, तो ये आपका कितना बच गया 28.5 29, ये 10.5 इंच बच गया आपका, यानी 9 से ही 3/4। अब ये डिफरेंस आया है क्योंकि ये आसन है, हमने आसन निकालना है, तो डिफरेंस 38.5 लंबाई 29 गिदरी डिफरेंस आया, फर्क आया 10 इंच का। अब इसका आसन कितना होना चाहिए, अब ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए आसन को। अब ये क्योंकि ये सामना 2 सूत यहां से दबा हुआ है, मैं कटा हुआ सामना दिखा देता हूं, ये देखिए, ये हमारा ये जो आसन है, ये निशान और ये हमारा आसन है। अब ये 2 सूत यहां से दबेगा, 2 सूत दबने के बाद अब ये 10.5 इंच तैयार आया है, तो इसका मतलब इसका आसन जो हमने तैयार काटना है वो 9.5 हो गया, क्योंकि आप 2 सूत दबने के बाद 10.5 आ जाएगा तैयार। अब ये 10.5 इसका 10.5 इसका ये आ गया है, लेकिन इसका आसन है 9.5, क्योंकि 2 सूत ये सामना दबा हुआ है, इसलिए 10.5 से 2 सूत निकाल देंगे, तो ये 9.5 इंच का इसका आसन आ गया। ये जो हम निशान लगाएंगे आसन का, ये जो निशान लगाएंगे वो 9.5 पे लगाएंगे, ये डिस्टेंस 9.5 का होगा हमारा। अब जो सबसे जरूरी है, क्योंकि इसका हिप हमारे पास नहीं है, क्योंकि सामना भी हिप के हिसाब से कटता है, बैक भी हिप के हिसाब से कटती है, तो अब हम इसका ये देखेंगे, ये सामना, क्योंकि हमने इस पैंट के हिसाब से सामना रखना, इस पैंट के हिसाब से ही बैक रखना है। अब ये देखिए, ये हम देख लेते हैं सामना तैयार कितना है, ये देखिए, ये हमारा सामना 10.5 इंच तैयार है, ये देखिए 10.5 इंच, ये 10.5 है, 10.5 इंच हमारा सामना तैयार है। अब सामना 2-3 सूत इधर से दबा हुआ है, 3 सूत इस साइड से दबा हुआ है, यानी 0.25 इंच दबा हुआ है, और ये 10.5 तैयार है, तो हमारा सामना कितना हुआ, दबाव समेत हमने सामना काटना कितना है, इसमें 10.5 में 0.25 इंच और प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये 11.5 इंच आएगा। अब हमने ये सामना और ये बैक, ये हमने लिख लिया है, सामना हमारा 10.5 इंच तैयार है, 3 सूत इधर से दबा हुआ है, ये 10.5 तैयार है, 3 सूत इधर से दबा हुआ है, 3 सूत इधर से दबा हुआ है, तो 10.5 प्लस 6 सूत, यानी इसका सामना 11.5 इंच काटना पड़ेगा हमें, हमने जो काटना है वो 11.5 इंच सामना काटना है। ऐसे ही हम बैक को ले लेते हैं, ऐसे ही हम बैक का मेजरमेंट लेंगे, ये देखिए, ये 3 सूत बैक,
इधर से भी दबी हुई है, इसको भी हमने काम करना है। ये हम जहां से ये देख लिए, ये 12 इंच तो यहां तक है, इससे आगे देख लेते हैं कितना है। ये देखिए 14.25 इंच बैक इसकी तैयार है, 14.25 इंच तैयार है। अब ये 3 सूत इधर भी दबी हुई है, 3 सूत इस साइड से भी दबी हुई है, 6 सूत इसमें भी हमने प्लस करना है। तो ये 14.25 इंच तैयार है बैक है इसकी, ये 14.25 इंच तैयार है इसकी बैक, तो इसमें 6 सूत हम प्लस कर देंगे, यानी 14.25 इंच प्लस कर देंगे तो ये 14.5 इंच तैयार आ जाएगी। तो इसकी बैक कितनी काटनी है हमने, 14.5 इंच। ये 14.5 इंच हमने बैक काटनी है, क्योंकि इसका हिप का नाप नहीं है, जितना सामना है इस पैंट के हिसाब से सामना काटना है, इस पैंट के हिसाब से बैक काटनी है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये मैंने सारा मेजरमेंट लिख दिया है, अब इसको मैं दोबारा बता देता हूं। लंबाई हमारी होगी 38.5 इंच, ये लंबाई 38.5 इंच होगी हमारी। गिदरी हमारी, क्योंकि हमने आसन देखना है कितना है इसकी, इस अंदर की साइड को हम गिदरी बोलते हैं, ये है हमारी 29.25। ये देखिए ये गिदरी हमारी 29.25 इंच है, तो डिफरेंस जो आया है वो ये 10.5 का आया है। तो इसका आसन कितना हुआ, ये 10.5 का डिफरेंस आया है, तो इसका आसन क्योंकि 2 सूत सामना यहां से दबा हुआ है, ये एक मैं फिर कटे हुए सामने से बता देता हूं, ये 2 सूत ये देखिए 2 सूत ये यहां से दबा हुआ है, दबने के बाद ये 10.5 तैयार है। तो हमने काटना है, हमने काटना कितना है कि 9.5 इंच ये काटेंगे तब 2 सूत यहां से दबेगा, तो ये गिदरी ये 10.5 इंच तैयार आएगा। तो ये 10.5 इंच का डिफरेंस जो है, इसका आसन हुआ 9.5 इंच, ये इसका आसन हो गया, ये इसका आसन हो गया 9.5 इंच। अब इसका घुटना देख लीजिए, अब इसकी कमर देखिए, पहले ये कमर है, पहले कमर देख लीजिए, कमर है इसकी 33.5 इंच, मैं लिखना भूल गया 33.5, ये 33.5 इंच इसकी कमर है ऑलराउंड भी, और यहां से हमने कमर को नापना शुरू करना है, यहां से और यहां तक ऑलराउंड भी नापना चाहे तो ये जो चैन लगी हुई है, ये जो सिलाई है चैन की, यहां तक आपने नापना है। तो ये 33.5 इंच इसकी कमर है, क्योंकि हिप नहीं है इसका, हिप पैंट के हिसाब से अपने आप तैयार आएगा। अब इसकी मोहरी है, ये मोहरी है 17.5 इंच, 17.5 इंच मोहरी होगी। अब सामना, क्योंकि इसका सामना 10.5 इंच तैयार है, तो हमने काटना कितना है, 2-3 सूत इधर से दबा हुआ है, 3 सूत इधर से दबा हुआ, 6 सूत दब गया, तो हमने 10.5 में 6 सूत प्लस करके 11.5 इंच का सामना तैयार काटना है। और बैक ये 14.5 इंच हमने बैक काटनी है, क्योंकि इसकी बैक 14.5 इंच तैयार है, इसमें भी 3 सूत इधर से दबा हुआ है, 3 सूत इधर से दबा हुआ है, 6 सूत हो गया 14.5 और 6 सूत, ये हो गया आपका 14.5 इंच, ये आपकी बैक तैयार आ गई। ये बैक होगी आपकी 14.5, ये सामना हो गया 11.5, ये मोहरी होगी आपकी 17.5, ये 33 इंच 33.5 इंच कमर होगी, और ये घुटना हो गया, घुटने का हिसाब जो मैंने बताया था पैंट की, नई पैंट की कटिंग में उसी हिसाब से घुटने का हिसाब इसका रखना है। तो ये हो गया पूरा मेजरमेंट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस हिसाब से मैंने इस पैंट का मेजरमेंट लिया है, इसी हिसाब से आप भी पैंट का मेजरमेंट लेंगे तो बिल्कुल दोनों पैंट एक जैसी आएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी आएंगी, एक सूत का भी फर्क नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आज इस एपिसोड में इतना ही, नमस्कार।